एक तरफ मंगलवार को मुंबई में ऑस्ट्रेलिया से हाथों करारी हार के बाद टीम इंडिया ने कप्तान विराट कोहली के कई फैसलों को लेकर उनकी आलोचना हो रही है, वहीं दूसरी ओर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने उन्हें एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के सम्मान में मैदान पर दर्शकों से तालियां बजवाने के लिए सम्मानित किया है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड में खेले गए वर्ल्ड कप 2019 के दौरान एक खूबसूरत इशारा करके दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता था। विराट के इस बेहतरीन काम के लिए आईसीसी ने उन्हें आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया। अब भाई आपको बताते हैं कि इस घटना के लिए विराट कोहली को यह सम्मान मिला है। आपको बता दें कि इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड कप में भारत ऑस्ट्रेलिया की टीम ओवल के मैदान पर मुकाबला खेल रही थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम फील्डिंग कर रही थी और उस वक्त स्मिथ बाउंड्री के पास मोर्चा संभाल रहे थे और इस दौरान स्टेडियम में बैठे फैंस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ के खिलाफ हुटिंग कर रहे थे, क्योंकि साल 2018 में स्टीव स्मिथ ने बॉल टैंपरिंग की थी जिसके लिए उन्हें और डेविड वार्नर पर एक साल का बैन लगा। वर्ल्ड कप में दोनों खिलाड़ियों ने वापसी की। स्मिथ को विश्व कप के दौरान कई बार इस तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ा। मैच के दौरान जब फैंस हुटिंग कर स्टीव स्मिथ परेशान कर रहे थे, तभी कप्तान विराट कोहली आगे आए और फैंस की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि स्मिथ के लिए ताली बजाओ, ना कि उसके और उसको चीटर चीटर कहो। विराट के इस इशारे के बाद फैंस शांत हो गए और तालियां बजाने लगे। विराट के इस इशारे के बाद स्टीव स्मिथ ने बीच मैदान पर उन्हें धन्यवाद दिया और इस नजारे ने दुनिया भर के फैंस का दिल जीत लिया। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।